प्रिय नहीं होते। और भक्ति युक्त जो है, भक्ति युक्त येषां चित्ते वसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी, जिसके हृदय में निर्मल भक्ति का प्रवाह निरंतर हो रहा है वो सबसे प्रिय है भगवान को। और जिस समय माता देवहूति जी ने भगवान कपिल देव से पूछा कि भक्ति की क्या परिभाषा है, सब कहते हैं कि भक्ति से भगवान मिलते हैं, पर ये भक्ति है क्या चीज, कैसे समझा जाए, किस क्रिया को, किस कर्म को, किस विशेष क्रिया का नाम भगवान ने भक्ति दिया, तो वहां कपिल भगवान ने स्वयं अपना मत स्थापित किया। बोले, माता जी, भक्ति किसी विशेष क्रिया का नाम नहीं है, देवानाम गुणलिंगानाम अनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। ये 10 चीजें तो भगवान ने सबको दी हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और 11वां जो उभयेन्द्रिय है उसे वो मन है। जिस समय भक्ति जबरदस्ती नहीं कराई जाती, भक्ति का मतलब एक होती है स्वाभाविकी भक्ति और एक होती है जो, एक तो अपने आप, एक होता है काम करना और एक होता है होना। एक तो काम कह के कराया जाता है और एक स्वाभाविक होने लगता है। तो जहाँ जिस क्रिया में स्वाभाविक ठाकुर जी के प्रति रति उत्पन्न हो गई, क्योंकि वहाँ कपिल भगवान ने कहा सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। जब मन अपने आप भगवान में लग गया, यदि मन भगवान में लग जाए तो बाकी जितनी इंद्रियाँ हैं, यदि मन भगवान में है तो नेत्र भी भगवत दर्शन ही चाहेंगे, वाणी भी केवल भगवत गुणगान ही करेगी, कान भी केवल भगवत कथा ही सुनना चाहेंगे। तो जिस समय मन भगवान में लग गया और उसके बाद शरीर से जो भी क्रिया हो रही है, चाहे वो कोई श्रेष्ठ क्रिया हो, चाहे वो कोई निकृष्ट क्रिया हो, कैसी भी क्रिया हो, यदि मन भगवान में है तो वो नीच से नीच क्रिया भी भजन बन जाती है, वो सबसे बड़ा भक्ति योग बन जाती है। जैसे हरिपाल भक्त के लिए चोरी ही उनके लिए श्रेष्ठ भजन बन गया, उनके लिए वही भक्ति बन गई। तो किसी क्रिया का महत्व नहीं है, महत्व है हमारा मनोयोग कहाँ है, हमारी मनस्थिति कहाँ है। यदि मन भगवान में है, उनके चरणों में है, तो शरीर से जो भी कार्य हो रहा है वो सब भक्ति है, वो सब भक्ति योग है। तो भक्ति के बारे में तो फिर जितना भी कहा जाए वो सब कम ही है। इसलिए अब पूज्य बाबा महाराज का भी, उनके सम्मुख बोलने का यद्यपि कोई औचित्य नहीं था, किंतु फिर भी निर्देशन हुआ तो बोलने की चेष्टा की है। जय श्री राम। जय श्री राधे। जय श्री राधे।